अच्छा, हमने प्रैक्टिस सेट 15.1 कंप्लीट कर लिए थे, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 15.2। तो पहला क्वेश्चन है, लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका फार्मूला और इसको करने की कोशिश। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स दी हुई है 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, एरिया मालूम करना है। तो एरिया ऑफ ए रॉम्बस है, इसका फार्मूला है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रॉम्बस। ये फार्मूला भी आपको आपकी लिस्ट में ऐड कर लेना, जैसा कि हमने शुरू में आपको बताए थे चैप्टर जब हमने शुरू किए, कि आपको एक एक पेज अपनी कॉपी में अलग रखना है जिस पे सिर्फ आपको फार्मूले लिखने हैं। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला भी आपको उसमें ऐड करना है। अब हम वैल्यूज़ डालेंगे, तो ये 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ द डायगोनल। लेंथ्स क्या दी हुई हमको, 15 × 24, तो ये 2 से 24 कैंसिल हो जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या बचा हमारे पास, 15 × 12। अब 12 का टेबल आपको आता है, 12 5 60, यानी 12 5 ज़ा 60, कैरी क्या है 6, 12 1 ज़ा 12 प्लस 6 कितने होंगे 18, 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए इसका एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, इजी है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16.5 एंड 14.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हम लिख लें यहाँ पर, लेंथ्स ऑफ द डायगोनल डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस कितनी है हमारे पास में, 16.5 एंड 14.2 सेंटीमीटर, एरिया हमको मालूम करना है। ठीक है, तब हम एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स। इज इक्वल टू 1/2 इंटू 16.5 इंटू 14.2। ठीक है, तो अब ये 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 2 है तो ये इससे कैंसिल हो जाता, 2 7 ज़ा 14 गए, ये पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दिए, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया हमारे पास में 16.5 इंटू 7.1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम आपको यहीं करके दिखा रहे हैं, आपने नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर आपने रफ में करना है अलग से, 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, अब यहाँ लगा दिए हमने, 7 5 ज़ा 35, कैरी क्या है 3, 7 6 ज़ा 42 प्लस 3 45, कैरी क्या है 4, 7 1 ज़ा 7 प्लस 4 11, 5 11 7 1 1, और ये पॉइंट लगाएंगे, 1 और 2 अदद के बाद पॉइंट, ये आ गया 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया एरिया ऑफ रोम्बस।